बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दे रही हूँ चटपटी चना दाल की रेसिपी। ये मैंने चाट मसाला ले लिया, एक लेमन, 250 ग्राम मैंने ये चने की दाल लेके इसे भिगो दिया था, हाफ चम्मच मैंने टाटी का डाल के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसे फ्राई करना है। मैंने ऑयल डाल के ऊपर रखा हुआ है कढ़ाई को, ये भी डाल देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई अच्छी तरह कर लेना हमने। ये बहुत मज़े की मिलती है, बाजार से भी हम लेके खाते हैं इनको दाल, ये वो वाली बनेगी। अब ऐसे ही हमने ना 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, अच्छी तरह हल कर लिया मैंने इसे। अब 2 से 3 मिनट ऐसे फ्राई होने देना, जब क्रिस्पी हो जाएगी फिर निकाल लेंगे। तकरीबन इसे 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते को, थोड़ी सी बस कसर रह गई है। तकरीबन 1 मिनट और हम फ्राई कर लेते हैं, टोटल इसे 5 मिनट करना है फ्राई। इसी बर्तन में डाल के करें, वैसे भी कढ़ाई में डाल के कर सकते हैं, फिर निकालते वक्त मुश्किल होती है, तो ऐसे ही इसे बर्तन में छन्नी में डाल के कर लें ना, तो सारी इकट्ठी उठाई जाती है ऊपर को। ऐसे हिलाते रहना है कि इक्वल इसे सारे को ना सेक लगे, फ्राई एक जैसी हो। से दाना एक उठा के हमने चकना, बस एक दो सेकंड के लिए और फ्राई करना। नीचे से चूल्हा बंद कर देना है। ये मैंने तेल से निकाल लिया है, नीचे टिशू रख दिया, ऊपर ये दाल चने की डाल दी मैंने। ये टिशू में डालने का मकसद ये है कि इसका जो भी ऑयल है ना वो सारा टिशू, यह मैंने टिशू से निकाल ली दाल। ऐसे चाट मसाला ऊपर छिड़का देना है हमने 1 चम्मच भर के, और लेमन जूस भी। बहुत मज़े की खट्टी मीठी बनी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी दाल करारी दाल बन गई है। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। यह ठंडी होने से और भी इसने ना क्रक हो जाना है।